भारत हर एक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और कुछ क्षेत्रों में हमने नंबर वन बनने के लिए कमर भी कस ली है। ऐसा ही एक सेक्टर है ऑटोमोबाइल। इस सेक्टर को लेकर नितिन गडकरी का दावा है कि 2027 तक चीन को पछाड़कर भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर बन जाएगा। आपको बताते चलें कि भारत पिछले साल ही जापान को पीछे छोड़ चुका है और अब वो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बन चुका है और अब हमसे आगे सिर्फ अमेरिका और चीन ही रह गए हैं। दरअसल चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में हुई 27th वर्ल्ड रोड कांग्रेस के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत अगले 3 से 4 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर बनने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। फिलहाल भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 7.5 लाख करोड़ रुपए की है, जो कि अगले 5 सालों में अब की तुलना में दोगुनी हो जाएगी। यानी कि साल 2028 तक भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री करीब 15 लाख करोड़ रुपए की होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसने अब तक करीब 4.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां देने का काम किया है। इसके साथ ही ये सेक्टर केंद्र और राज्य सरकारों को ज्यादा से ज्यादा जीएसटी भी देता है। बता दें कि प्राग में अपनी यात्रा के दौरान नितिन गडकरी ने स्कोडा एच सिटी हाइड्रोजन बस में टेस्ट राइड की थी। नितिन गडकरी यू स्काई बस की टेस्ट राइड के लिए यूएई के शारजा में रुके, जो कि एलिवेटेड रेल केबल सिस्टम पर चलती है। अब नितिन गडकरी इसे भारत लाने की कोशिशों में जुट चुके हैं, जिसके लिए आई स्काई मोबिलिटी ने यू स्काई के साथ करार भी किया है। गडकरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस बात की पुष्टि भी की है। उन्होंने लिखा कि स्काई बस एक स्थायी भीड़ मुक्त अर्बन ट्रांसपोर्ट देने का काम करती है। इसके साथ ही ये शहरों में रहने वाले लोगों को अच्छे परिवहन के साथ ही प्रदूषण फ्री यातायात भी देगी। यानी कि आने वाले समय में आपको भारत में भी स्काई बस नजर आ सकती है, जिससे कि पर्यावरण के साथ साथ लोगों को जाम से भी निजात मिल जाएगी। तो आपको ये न्यूज़ कैसी लगी, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।